पब्लिक टीवी आपकी आवाज। वार्ड 36 में भारतीय जनता पार्टी ने राहुल शर्मा को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाकर उन्हें चुनावी क्षेत्र में भेजा है। अब देखना यह है कि क्षेत्र की जनता का उन्हें कितना समर्थन मिल रहा है और राहुल शर्मा ने किस तरह से इस निकाय चुनाव को जीतने की तैयारी की है। इसी पर चर्चा करने के लिए राहुल शर्मा जी से सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार क्या तैयारी है उनकी। राहुल शर्मा जी, आपको पार्टी ने सबसे पहले एक बार फिर से भरोसा जताया, इस बार आप परिवार में, इससे पहले आपकी वाइफ पर क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी? देखिए, ये क्षेत्र से मैं लगातार चौथी बार चुनाव लड़ रहा हूँ और यहाँ की जनता का मुझे अपार प्यार और अपार समर्थन मिल रहा है। यहाँ जो हमारा संगठन है, संगठन माने हमारे 8 बूथ हैं, तो उन बूथों पर हमारी पहले से ही बहुत अच्छी तैयारी है। और जो चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ एक एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा, मैं राहुल शर्मा नहीं हूँ, यहाँ एक एक व्यक्ति राहुल शर्मा करके चुनाव लड़ रहा है। मेरे 8 बूथ अध्यक्ष, मेरा सेक्टर संयोजक और जितने मेरे साथी हैं सब राहुल शर्मा बन के काम कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता की, देखिए, हम क्योंकि लगातार पार्षद यहाँ रहे, मेरी पत्नी इससे पहले पार्षद थी, तो लोगों की समस्याएं भी आ रही हैं तो उनको भी हम सुन रहे हैं। इस क्षेत्र में हमने काम किया है और फिर से हमने और बेहतर काम करने का लोगों से वायदा किया है। जो चुनौतियां हैं, उन कुछ चुनौतियां सामने आ रही होंगी, उनका किस तरह से सामना कर रहे हैं? देखिए, चुनौतियाँ हैं और चुनौतियाँ, हम जैसा व्यक्ति ही उन चुनौतियों का सामना कर सकता है। ये क्षेत्र लगातार आबादी यहाँ बढ़ रही है, लोग गाँव में अपनी जमीन थोड़ी बहुत बेच के यहाँ मकान बना रहे हैं। ये लगातार डेवलपिंग क्षेत्र है, बहुत तेज़ी से क्षेत्र में विकास क्षेत्र बढ़ रहा है और बहुत काम करने की यहाँ भी हमें ज़रूरत है। और इन 5 सालों का हमने सब रोड मैप तैयार कर लिया है। मेरे सारे माइंड में मैंने कहाँ हमें जल निकासी के लिए नाला बनवाना है, कहाँ हमें सबसे बड़ी समस्या यहाँ जो लोगों ने मकान बनाए हैं नए वहाँ खंभों की है। बिजली विभाग का हमें पूरा समर्थन नहीं मिल रहा, सहयोग नहीं मिल रहा। हम यहाँ वृहद स्तर पर इसका सर्वे हमने करा लिया है और उन लोगों को पहले बिजली की व्यवस्था और जो नए लोग आके बसे उनको जल निकासी की व्यवस्था और उसके बाद बेहतर यहाँ जो हमारी आबादी यहाँ रह रही है पहले से, जो पुरानी हमारी यहाँ आबादी है, उसमें बेहतर सफाई व्यवस्था देंगे इन अगले 5 सालों में। अन्य प्रत्याशी भी आपके सामने हैं, उन कहीं ना कहीं वो भी एक चुनौती आपके सामने बन रहे हो? नहीं नहीं, कोई, देखिए, सारे प्रत्याशी निर्दलीय हैं और एक प्रत्याशी वो लगातार हर बार चुनाव लड़ते हैं, हर बार हमारे से चुनाव हारते हैं। एक बार वो हमारी ही पार्टी से, जब CTA SC थी तो हमारी पार्टी ने उनको टिकट दिया था और वो हमारी पार्टी यानी कमल के सिंबल पे ही जीते थे। और ये जो क्षेत्र है, भाजपा का क्षेत्र है या पूरा भाजपा का गढ़ है, लगातार 20-25 साल से रिकॉर्ड रहा है कि भाजपा पार्षद यहाँ चुना गया। कोई क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे, कैसा माहौल अब तक सामने आया? क्षेत्र की जनता का से अपील यही है कि सब लोग, आप सबका मुझे बहुत अपार यहाँ समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और ये प्यार आपका मुझ पर बरकरार रहे। हम फिर से यहाँ भारी मतों से, ये रिकॉर्ड मतों से जीत होगी, ये जनता के प्यार से हमें पता चल रहा है। तो इधर हमारे साथ में राहुल शर्मा जी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि क्षेत्र की जनता का उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि क्षेत्र की जनता का उन्हें कितना समर्थन मिलता है और 4 तारीख में जो मतदान होना है उसमें वो कितना सफल हो पाते हैं, ये देखने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान, पब्लिक TV इंडिया, मुरादाबाद। पब्लिक TV आपकी आवाज़।